हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रो आइटम डॉट एक्सएमएल को क्रिएट किए थे। ओके, तो इस वीडियो में हम प्रोडक्ट एडाप्टर डॉट जावा को क्रिएट करने वाले हैं। एंड इसमें हम डिफाइन करने वाले हैं इमेज, नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। ये जो हमने क्रिएट किए थे एक्सएमएल फाइल में, इसी को हम डिफाइन करेंगे माई होल्डर में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माई व्यू होल्डर में आ जाएंगे एंड इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद अभी हमें यहाँ पे टाइप करना होगा टेक्स्ट व्यू। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया। ये जो दिखाई दे रहा आपको, तो इसको आपको कंट्रोल एक्स करना होगा एंड यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो अभी कोई भी एरर शो नहीं होगा। तो इसके नीचे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, आपको ब्रैकेट के नीचे ही आना, आपको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे ये जो टेक्स्ट व्यू है, ये चारों भी टेक्स्ट व्यू को हम प्रोवाइड करेंगे एंड वन इमेज व्यू को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू। एंड सबसे पहले एसेसरी प्राइस लिख देते हैं, जो भी प्राइस का नेम रहेगा एसेसरी प्राइस। सेम आपको टेक्स्ट व्यू प्रोवाइड कर देना है, टेक्स्ट व्यू एसेसरी नेम। आप कुछ भी लिख सकते हो रैंडमली नेम, एसेसरी नेम। ये होने के बाद अगेन आपको टेक्स्ट व्यू प्रोवाइड करना है, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड करना होगा, टेक्स्ट व्यू एसेसरी। क्या प्रोवाइड करेंगे हम, डिस्क्रिप्शन। ओके, ये होने के बाद इसको भी सेमी कॉलम से आपको क्लोज कर देना है। अब ये बचा है हमारा इमेज व्यू। ये हमने तीन तो डिफाइन कर दिए भी है इमेज व्यू, तो हमें हम टाइप करना होगा इमेज व्यू, इमेज व्यू एंड इसका नेम हम प्रोवाइड करेंगे ऐसे सरी। तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें रैंडमली आपको कुछ भी नेम एंटर करते जाना है, एसेसरी इमेज। तो हमने इसको डिफाइन तो कर दिया, इसको अभी डिक्लेयर भी करना होगा नीचे में। तो डिक्लेयर हम जैसे बटन को करते हैं सेम यहाँ, तो सेम हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा एसेसरी प्राइस। तो सबसे पहले हम प्राइस ले लेंगे। ओके, तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, एसेसर प्राइस शो हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इज इक्वल टू आइटम व्यू, आपको यहाँ पे अच्छे से टाइप करना है आइटम व्यू। ओके, डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आई डॉट आईडी डॉट, यहाँ पे हमें जो भी हमने आईडी डिफाइन की थी रो आइटम डॉट एक्सएमएल में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे पहले एसेसरी प्राइस का, तो हमें प्राइस की आईडी डिफाइन जो हमने की थी वो देखना होगा। तो हमने प्रोवाइड की थी प्रोडक्ट प्राइस, मैं यहाँ पे प्राइस सर्च कर देता हूँ तो खुद ब खुद प्रोडक्ट प्राइस आ जाएगा सेकंड में। तो इसको आपको डिफाइन करना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। ये होने के बाद अभी हम नेम, जो हमने एसेसरी नेम दे देते उसी को ही हम प्रोवाइड करेंगे, एसेसरी नेम इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट प्रोडक्ट आइटम। ये जो दिख रहा है आपको, जो हमने आई डी डिफाइन की थी वही प्रोडक्ट टाइटल है। एंड अभी एसेसरी डिस्क्रिप्शन हमें डिफाइन करना होगा, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एसेसरी डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, ये होने के बाद आपको सेमी कॉलम से इसको भी क्लोज कर देना है। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है ये तीनों का भी। अभी हमें इमेज व्यू को भी वैसे ही डिपेंड करना होगा, एसेसरी इमेज व्यू, एसेसरी इमेज इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट
प्रोडक्ट इमेज, ओके, एंड इसको सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है इसको डिक्लेयर करने का। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे पब्लिक क्लास प्रोडक्ट एडाप्टर में एंड इसको एक्सटेंड कर देंगे रिसाइकल व्यू के साथ। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर, एंड हमने कौन सा एडाप्टर क्रिएट किए थे, प्रोडक्ट एडाप्टर, तो इसको हम प्रोवाइड कर देंगे प्रोडक्ट एडाप्टर। डॉट माई व्यू होल्डर, ओके। तो अभी हमारा वर्क हो चुका है बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो एरर को रिजोल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट मेथड करना पड़ेगा बल पे क्लिक करने के बाद। तो मैं जैसे ही इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तीन मेथड खुद ब खुद आ जाएंगे, ओके, एक ऑन क्रिएट, एक ऑन बाइंड, ठीक है, एंड साइज का। तो मैं इम्प्लीमेंट मेथड कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड एंड गेट आइटम काउंट। तो मैं अभी ओके पे आपको क्लिक कर दे रहा। तो जैसे हमने ओके पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे खुद ब खुद तीन मेथड आ चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना होगा लिस्ट को। तो इसके नीचे मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट एडाप्टर के नीचे एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट लिस्ट एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट्स। ये होने के बाद हम नेम लिख देंगे एम प्रोडक्ट, कुछ भी आप रैंडमली नेम लिख सकते हो। एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे आ जाना है माय व्यू होल्डर में, सॉरी आपको क्या करना है इसके ही नीचे, ये बाद में हम करेंगे माय व्यू होल्डर का, इसके नीचे आपको एम प्रोडक्ट को भी डिफाइन करना होगा। तो इसलिए हम मेथड प्रोवाइड कर देंगे पब्लिक प्रोडक्ट एडाप्टर एंड इसको ब्रैकेट दे देना है एंड यहाँ पे प्रोवाइड करना है लिस्ट एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट, इसको भी हम नेम प्रोवाइड कर देंगे एम प्रोडक्ट। ये होने के बाद हम ब्रैकेट इसको क्लोज कर देंगे एंड इस ब्रैकेट के अंदर हम दिस डॉट एम प्रोडक्ट जो हमने ऊपर में यूज किया है इज इक्वल टू उसी प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे एम प्रोडक्ट एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना। तो अभी हमारा कम्प्लीटली यहाँ का वर्क हो चुका है। अभी आपको आना है माई व्यू होल्डर में एंड इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ बैक स्पेस से एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे लेआउट इन्फ्लुएटर एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे लेआउट इन्फ्लुएटर इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लुएटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट एंड सेमी कॉलम से भी इसको क्लोज कर देंगे। ये होने के बाद हम रिटर्न को प्रोवाइड कर देंगे रिटर्न न्यू माई व्यू होल्डर, ये जो मेथड है उस पर प्रोवाइड करेंगे एंड इसके अंदर में लेआउट इन्फ्लुएटर को प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ लेआउट स्मॉल लेआउट इन्फ्लुएटर प्रोवाइड करना आपको, ठीक है, लेआउट इन्फ्लुएटर एंड जो पेरेंट है उसको यूज कर लेना है एंड इसको क्लोज कर देना है सेमी कॉलम से। ये होने के बाद अभी हम ऑन बाइंड में भी आ जाएंगे क्योंकि अभी हमारा ऑन क्रिएट का वर्क हो चुका है। तो इसको एंटर कर देंगे, इतना हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर में टाइप कर दिया, ठीक है। तो अभी हम ऑन बाइंड में आ रहे हैं, इसको एंटर करेंगे, इसको हम प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नेम लिख देंगे पी इज इक्वल टू एम प्रोडक्ट डॉट गेट एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे पोजीशन, ये जो आपको दिखाई दे रही पोजीशन इसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा,
ये होने के बाद आपको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है कॉन्टेस्ट। तो एंटर करना आपको कॉन्टेक्स्ट, माय कॉन्टेक्स्ट, आपको कोई भी रैंडम नेम दे देना है। तो माय कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ये होने के बाद इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। इंटीजर हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से एंड इसका नेम हम प्रोवाइड करेंगे आर एस आई डी एंड हम माई कॉन्टेक्स्ट यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो माई कॉन्टेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपको मेथड यूज करना पड़ेगा गेट रिसोर्स का। तो हम प्रोवाइड करेंगे गेट रिसोर्स, सॉरी गेट रिसोर्स डॉट गेट आइडेंटिफायर पी डॉट, यहाँ से हम जो फोटो है उसको प्रोवाइड कर देंगे कॉमा। तो हम फोटो कहाँ से लेंगे, तो हम ड्रॉबल से लेंगे। ठीक है, जितने भी हमारी रेसिपी रहेगी वहाँ पे हम ड्रॉबल से ही लेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस ड्रॉबल को नेम जैसे का वैसा टाइप कर देंगे डी आर ए डब्ल्यू ए बी एल ई। ठीक है, तो जैसे के वैसे हमने यहाँ पे नेम टाइप कर दिया। तो इसके बाद आपको कॉमा पास कर देना है यहाँ पे एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे माय कॉन्टेस्ट जो हमने टॉप में यूज किया था डॉट गेट पैकेज नेम। ये जो सेकंड में मेथड दिखाई दे रहा है इसको आपको सिलेक्ट करनी होगी एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो अभी हमारा यहाँ का कॉन्टेक्स्ट का वर्क हो चुका है, अभी हमें होल्डर में इसको बिल्ड करना होगा। ठीक है, तो होल्डर डॉट एसेसरी इमेज एक एक इसको तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने चार लिए थे उसी को ही होल्डर में हमें बिल्ड करना होगा। हाँ देखो, ये चारों की को हमें इसको बिल्ड करना होगा। तो होल्डर डॉट एसेसरी इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्सेस। तो आपको अच्छे से यहाँ पे टाइप करना है, ये जो दिख रहा है आपको डॉट सेट इमेज रिसोर्सेस वही आपको सिलेक्ट कर देना है। ये होने के बाद ये जो नेम दिखाई दे रहा है आपको रेस आईडी वही आपको सिलेक्ट करना है एंड सेम होल्डर डॉट एसेसरी प्राइस डॉट सेट टेक्स्ट पी डॉट गेट प्राइस सेम आपको होल्डर नेम करना है होल्डर डॉट एसेसरी नेम तो आपको नेम अच्छे से टाइप करना है। तो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे नेम, तो हमने यहाँ पे नेम में आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये कैपिटल ए था इसलिए शो नहीं हो रहा था। तो कैपिटल ए एसेसरी नेम डॉट सेट टेक्स्ट एंड यहाँ पे हमें यहाँ प्रोवाइड कर देना पी डॉट गेट नेम। तो आप देख सकते हो हमने प्राइस एंड नेम एंड इमेज का डिफाइन कर दिया। अभी हमें प्रोवाइड करना है एसेसरी डिस्क्रिप्शन का। ओके, तो होल्डर डॉट एसेसरी डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट पी डॉट जैसे हमने ऊपर में यूज किया था सेम आपको यहाँ पे भी यूज करना है डॉट गेट डिस्क्रिप्शन एंड इसको क्लोज कर देना। ये खुद ब खुद क्लोज हो चुका है। तो अभी हमारा ऑन बाइंड का भी वर्क हो चुका है। अभी हमें आना है गेट आइटम काउंट में एंड इसका साइज डिफाइन कर देना है। तो साइज डिफाइन करने के लिए रिटर्न
एम प्रोडक्ट, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे डॉट साइज, उतना हमारा रिसाइकलर व्यू का साइज रहेगा। एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो अभी हमारा कम्प्लीटली ऑन क्रिएट ऑन बाइंड गेट आइटम काउंट का वर्क हो चुका है। तो अभी हमें आना है क्लास माई व्यू होल्डर में, तो इसको भी हमें एक्सटेंड करना होगा। तो पहले तो हम इसको बैक स्पेस से इस एरो को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। अभी मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्सटेंड हम किससे करेंगे, इम्प्लीमेंट से, इम्प्लीमेंट्स व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, अगर हमारे रिसाइकलर व्यू पे कोई क्लिक करता है तब के मेथड, ठीक है। व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, ये जो थर्ड में दिखाई दे रहा है ऑन क्लिक लिस्नर, उसी को आपको जैसे के वैसे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। ओके, तो एरर शो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड को यूज करना होगा। तो मैं बल पे क्लिक कर देता हूँ एंड इम्प्लीमेंट मेथड में कर देता हूँ, एंड ऑन क्लिक का खुद ब खुद मेथड नीचे आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ऑन क्लिक का मेथड खुद ब खुद आ चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का यूज करना होगा। तो हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट, सी इज इक्वल टू, हमने कॉन्टेक्स्ट का नेम दे दिया व्यू डॉट गेट गेट कॉन्टेक्स्ट, गेट कॉन्टेक्स्ट एंड सेमी कॉलम से भी इसको क्लोज कर देना है। एंड सेम आपको प्रोवाइड करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एम प्रोडक्ट डॉट गेट गेट एडप्टर पोजिशन। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले सेमी कॉलम से। तो आप देख सकते हो मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। अभी हमें यूज करना होगा इंटेंट का। देखो अगर कोई यहाँ पे जैसे कोई रिसाइकलर वे में यहाँ पे क्लिक कर देगा तो दूसरे एक्टिविटी में चले जाएगा, तो उसका हमें क्लास भी क्रिएट करना पड़ेगा। डिस्प्ले प्रोडक्ट के नेम से मैं इसको पहले सबसे पहले क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्प्ले प्रोडक्ट। एंड फिनिश बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी क्रिएट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मीन्स यहाँ पे ग्रेडर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तब तक क्या करेंगे, प्रोडक्ट एडाप्टर डॉट जावा में आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम मेथड इम्प्लीमेंट कर देंगे जो भी हमारा इंटेंट का प्रोसेस रहेगा। मीन्स कोई भी इस पर क्लिक करेगा आइटम पे हमारे, तो किस एक्टिविटी में जाना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटेंट का यूज करेंगे। तो इंटेंट तो मैं यहाँ पे नीचे में क्लिक कर देता हूँ, इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट, ये होने के बाद हम प्रोवाइड कर देंगे सी कॉमा डिस्प्ले प्रोडक्ट डॉट क्लास। तो ये डिस्प्ले प्रोडक्ट अभी अभी हमने क्रिएट किया है, जो हमारी एक्टिविटी थी उसी को हमने क्रिएट किया है एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे क्लास एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। ये होने के बाद अभी हमें क्या करना है, डिस्प्ले प्रोडक्ट पे अभी हमें वर्क करना होगा। तो चलिए हम चलेंगे डिस्प्ले प्रोडक्ट डॉट क्लास पे। तो आप देख सकते हो यही हमारा डिस्प्ले प्रोडक्ट जो हमने एक्टिविटी क्रिएट की थी वही है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके एग्जाम्पल फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कम्प्लीटली कोड करना होगा डिस्प्ले प्रोडक्ट डॉट एग्जाम्पल में। यहाँ पे एक हमारी इमेज व्यू रहेगी, यहाँ पे एक बटन रहेगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।